बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आईआईटी के 8वें दीक्षांत समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रतिभाग किया। वर्ष 2012 में स्थापित यह संस्थान अपनी श्रेष्ठता के कारण पूरे देश में पहचाना जाता है। वहीं इस अवसर पर पदक, पुरस्कार, बीटेक की उपाधि एवं एमटेक की उपाधियां तथा 70 से अधिक पीएचडी की उपाधियां प्रदान की गई। साथ ही उन्होंने आईआईटी बीएचयू के इस शताब्दी वर्ष पर यहां के विद्यार्थियों, गुरुजनों और उन सभी का अभिनंदन किया जिन्होंने यहां पर रहकर कर्म की पूजा की है, कर्म की साधना की है तथा संपूर्ण भारत को एक नवीन दृष्टि दी है। अपने भविष्य को संवारने के लिए आगे जा रहे हैं। ये क्षण उत्सव के हैं, उल्लास के लिए हैं। मैं समझता हूं कि आपके मन में तमाम और तमाम सवाल उठ रहे होंगे कि एक ओर आज उपाधि लेकर के हम मैदान में एक योद्धा की तरह जाने वाले हैं, एक तरफ खुशी और उल्लास का उमंग होगी तो दूसरी तरफ सामने चुनौतियां भी खड़ी होंगी। हर्ष और चुनौती का ये मिश्रण के जो क्षण है ये आपके लिए और हम सब लोगों के लिए गौरवमय क्षण है। इसलिए मैं आपको उपाधि धारक सभी और जिन्होंने गोल्ड और रजत पदक जीते हैं उन सभी को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपको बता दें कि भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की यह तपस्थली ज्ञान अर्जन की उर्व भूमि है, जहाँ से बहने वाली ज्ञान की गंगा आज भी निर्मल, उज्जवल और विशाल है। वहीं इस मौके पर डॉक्टर निशंक ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि यहां छात्रों के लिए छात्रावास की स्थापना की जाएगी जिसकी लागत 50 करोड़ है। इसके साथ विद्यार्थी गतिविधि केंद्र के लिए 28 करोड़ आवंटित किए गए हैं। फैकल्टी अपार्टमेंट के लिए 50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू एवं उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर 70 करोड़ शोध के लिए व्यय करेंगे। कृषि मंत्रालय के साथ वृहद स्टार्टअप कार्यक्रम रफ्तार 2022 शुरू किया गया है। इंजीनियरिंग शिक्षा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इस शताब्दी वर्ष पर भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान के 8वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री ने सभी को बधाई दी और कहा कि आप सभी का जीवन योगमय हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से युक्त हो तथा महामना के जीवन जैसा पवित्र हो। घबरा करके तो कोई काम नहीं होता। सोलह द्विवेदी जी ने कहा था कि लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती। और आगे क्या कहा था जी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत तो दुनिया में कोई विकल्प नहीं, ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत कोई विकल्प नहीं। ये इतना बड़ा मंत्र है, सूत्र है जिसमें सारी चीजें, सारी बाधाएं एक ताकत में, एक झटके में खत्म हो जाती है। और अब तो हम नई शिक्षा नीति को लेकर के आ रहे हैं, नई शिक्षा नीति का मसौदा लेकर के हम आ रहे हैं। अभी मसौदा पूरी सब आप सबके सामने है। ऐसी शिक्षा नीति जो परिणाम आधारित होगी, भारत केंद्रित होगी, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण पर के फलक पर रहेगी, मूल्य परक होगी, उद्यमिता से युक्त होगी, कौशल से युक्त होगी, रोजगार से युक्त होगी, नवाचार से युक्त होगी, प्रौद्योगिकी से युक्त होगी, संस्कार युक्त और वैचारिक रूप में आगे बढ़ने वाले सृजनशीलता की होगी, भविष्योन्मुखी होगी, जीवन में उपयोगी बनाने सकने वाले तमाम विधाओं से युक्त, नवाचार, अनुसंधान और शोध की दिशा में शिखर पर ले जाने वाली हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है वो पूरी दुनिया में उसको लेकर के बहुत उत्सुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।